अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ही मज़े का। यहाँ पर ये मटर आलू मसाले वाला पुलाव है। जब भी आप रेसिपी बनाएंगे, ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे, ये वाली बनाएंगे, मज़े से खाएंगे और फैमिली के साथ खुश हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी। जब खाने को जी चाहे कुछ अच्छा सा तो हो जाए कुछ नया सा। मैंने लिए हैं आधा किलो मटर, आधा किलो लिए हैं आलू, नए आलू लिए हैं आधा किलो, और इन्हें धो के अच्छी तरह से मैंने फ्रेश करके रख दिया है। फ्रेश मटर ली है और मटर हम पुलाव बना रहे हैं मसाले वाला। आधा किलो हमने चावल लिए हैं यहाँ पर और इसे हम भिगो कर रख देंगे। टमाटर लिए हैं, छोटी वाली हरी मिर्ची ली है और एक आधी शिमला मिर्च रखी थी वो कटिंग कर ली। प्याज है, हरा धनिया है, अदरक लहसुन है ताज़ा पिसा हुआ है और स्पाइसेस में है पिसी हुई मिर्ची, लाल वाली कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और यहाँ पर मैंने लिया है सौंफ और धनिया ताज़ा पीस लिया है इसे, और यहाँ पर मैंने लिया है आधा खाने का चमचा कुकिंग ऑयल। स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। फ्लेम यहाँ पर स्लो है और छींटे उड़ने लगी थी और हल्का सा पानी था इसके अंदर। प्याज के अंदर हरा धनिया मैंने डाल दिया है फ्राई के लिए और हरी मिर्ची मैंने स्टार्ट कर ली थी बीच से। हरी मिर्ची डालेंगे बघार में, लाइट सा फ्राई करेंगे इसे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है माशाअल्लाह ये वाली। शिमला मिर्च के टुकड़े मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे और हम यहाँ पर लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर, पुलाव का टेस्ट, धनिया और सौंफ, इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। पूरे घर में महकने वाली खुशबू मटर पुलाव, अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी को और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी लगी। टमाटर ऐड कर दिए हैं साथ साथ मैंने, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन फ्रेश है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हरा धनिया का भगार भी जब हम डालते हैं। और स्पाइसेस ऐड करेंगे। मसाले के साथ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है यहाँ पर ताकि मसाला लगे ना। मसाले ही के साथ अब टमाटर, अब उसको मसाले के साथ ही हम यहाँ पर मटर को और आलू को भून लेंगे और ये अच्छे से हाफ परसेंट जो है वो गल भी जाएंगे। हाफ परसेंट इसमें थोड़ा पानी डालेंगे मसाला भूनने के बाद ताकि अच्छे से आलू गल जाए। स्टार्टिंग में हमने ऑयल बहुत ही कम लिया था, दम में डालेंगे ऑयल हम। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद अच्छा फ्लेवर करने के लिए, लेकिन इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है, एक यूनिक और नए स्टाइल से मैं बना रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, सबसे पहले मेरी आपको वीडियो मिलेंगी, आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। अपनी फैमिली मेम्बर ने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, चैनल को मेरे। इसके साथ रायता सैलड बहुत मज़े की लगती है, यमी लाल लहसुन की चटनी बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। एक कप पानी लिया है मैंने, ये वाली प्याली पानी लिया है और ऐड कर देंगे, मीडियम आंच पे रखेंगे। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखेंगे इसको मिक्स करके। और इतनी देर में हम चावलों को भिगो लेंगे। फ्लेम यहाँ पर हाई है, यहाँ पर मैंने मटर और आलू गला लिए।
एक कॉर्नर में मटर का आलू का जो पीस रखा हुआ है वो कटिंग करके देखा है तो गल चुका है आलू, ठीक हो गया। फूड कलर पानी के साथ शामिल कर लिया है, पानी यहाँ पर भी है आलू मटर मसाले में। चावल ऐड कर लिए हैं और पानी देख के डालते हैं, नमक चेक करते हैं, फ्लेम को हाई कर दिया है। नमक हम पहले भी ऐड कर चुके थे, यहाँ अब ध्यान से नमक ऐड करेंगे, चख लेंगे। यहाँ पर मैंने लीड लगा दी, चावल अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए चावलों का, तो उसके बाद हम कलर डालेंगे। यहाँ पर मटर पुलाव का पानी खुश्क होने वाला है और मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ दम में लगाने के लिए, और फूड कलर ऐड करेंगे एक साइड पर। पानी अभी इसके अंदर है और ढक्कन मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर एक साइड पर ऐड करूँगा, बस हल्का सा कलर चाहिए था। अब मैं इन्हें दम लगा दूंगी और ये देख लीजिए व्यूअर्स, चावल बिल्कुल जो है फाइनली रेडी हो चुके हैं, और ये हम आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट से जो है वो मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद जो है जब डिश आउट करेंगे तो यहाँ से हाफ कटिंग करेंगे, उनको मिक्स कर लेंगे, और पूरे में चावल जो है कलर वाले वो नहीं मिक्स करेंगे, जब खाते जाएंगे इस तरह निकालते जाएंगे, तो आपको भी दिखाते हैं इसका लुक। ये देखिए व्यूअर, ज़बरदस्त गर्मा गर्म यहाँ पर मटर पुलाव मसाले वाला रेडी है, बहुत ही मज़े का मटर आलू का यहाँ पर मैंने पुलाव बनाया है। आप लोग जब भी ये वाली रेसिपी मटर पुलाव की बनाने लगेंगे, मसाले वाली आप जब भी बनाएंगे तो आपको ये वाली मेरी रेसिपी याद आएगी, और आप हमेशा से इसी तरह से बनाएंगे 110%। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी यहाँ पर बनी है, कलरफुल है, बहुत ही मज़े के हैं, और ये चटनी हम इसके साथ यहाँ पर सर्विंग करेंगे, साथ सैलड लेंगे इसके साथ और रायता। ये चटनी यहाँ पर हमने लहसुन की बना ली है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।